भगवान परशुराम व महर्षि जमदग्नि की कर्मस्थली प्राचीन नगरी जौनपुर अपने आप में एक इतिहास है। माता चौकियां धाम, अटाला मस्जिद, शाही किला, त्रिलोचन महादेव का प्राचीन शिव मंदिर यहाँ की गाथा अपने आप में बयान करता है। यहीं से आते हैं बिक्रम प्रताप सिंह। यहाँ की मूली विश्व प्रसिद्ध है। जौनपुर की ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर भी मुंबई जैसी माया नगरी में बिक्रम ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की। कई व्यावसायिक क्षेत्रों में जैसे बांध काम, कंस्ट्रक्शन, होटल, सुरक्षा, एंटरटेनमेंट में प्रवेश किया। प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। वे आज एक जाने माने व्यवसायी हैं, साथ एक प्रभावशाली समाज सेवी भी हैं, जो कई संस्थाओं के माध्यम से अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। बिक्रम प्रताप सिंह से बात की हमारे एडिटर इन चीफ रत्नाकर मिश्र ने, तो आइए जानते हैं बिक्रम प्रताप सिंह से कि कैसा रहा उनका सफर। जब से आप शिवसेना में आपने प्रवेश किया है, तब से आपकी जो एक्टिविटीज रही हैं काफी सराहनीय रही हैं। अभी हाल ही में शिवसेना अयोध्या गई थी, जिसका सारा श्रेय बिक्रम प्रताप सिंह को जाता है। प्रताप फाउंडेशन के आप चेयरमैन हो, आपके जो लोग हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपसे जो अपेक्षाएं करते हैं, आपने उनके लिए क्या सोचा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बात करने का अवसर दिया। दूसरा है कि शिवसेना का अयोध्या यात्रा, तो मैं ये थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास रहा है, उसमें भारत के इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान महाराष्ट्र का रहा है, क्योंकि कल्चर बेस स्टेट रहा है और उस कल्चर की बात करने वाली पार्टी शिवसेना रही है बाबा साहब के नेतृत्व में। जहाँ तक रहा बात जो है अयोध्या का, तो अयोध्या से भावनात्मक रूप से रामचंद्र जी से पूरा भारत, पूरा हिंदवी साम्राज्य जुड़ा हुआ है। तो वहाँ का जो मुद्दा है, जो विवादित ढांचा गिराने का हो, वो बाला साहब ने बड़े ही गर्व से उन्होंने कहा था कि हाँ, हम शिवसैनिकों ने उस विवादित ढांचा को, उस कलंक को मिटाने में हमारा हाथ रहा है। तो उनका भावना वहाँ पे जुड़ा हुआ था। और माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब का जो यात्रा रहा है, और भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए वो अपने सपरिवार वहाँ पे गए हुए थे। हाँ, हम लोगों ने वहाँ जो है एज ए शिवसैनिक जो है, हम सब लोगों ने वहाँ मिलजुल के माननीय एकनाथ शिंदे साहब, संजय राउत साहब के नेतृत्व में वहाँ जाके बहुत ही अच्छे से हमने वहाँ काम किया। और हमारे लिए ये दोहरा खुशी का विषय ये था कि जो यहाँ पे नफरत का दीवाल पिछले 30-40 सालों में राजनीतिक पार्टियों ने खड़ा किया था शिवसेना और उत्तर भारतीयों के बीच में, मैं मानता हूँ कि वो यात्रा के बाद से जो है वो दीवाल पूरी तरीके से गिर गई जो है। कि ठाकरे परिवार के चिराग आदित्य साहब जो है, पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जो है, भाभी श्री वहाँ जाके उत्तर प्रदेश की अयोध्या में उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया, वहाँ पे पूजन किया, वहाँ पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया, भोजन किया। तो हमारा जो सौहार्द बढ़ा है, ये सांस्कृतिक जो मिलान है, उस पर एक और मुहर लगा जो है। क्योंकि बहुत सारे करोड़ों उत्तर भारतीय, करोड़ों भारत के और भी स्टेट से मुंबई में यहाँ पे आते हैं। तो बॉम्बे का जो डेवलपमेंट हुआ है शिवसेना के माध्यम से, बाला साहब के माध्यम से, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फील करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो मैं उसका बहुत सारा श्रेय हमारे जो हमारे बाला साहब ठाकरे रहे जो है, जिन्होंने बॉम्बे को एक नया पहचान दिया जो है, एक सिक्योरिटी फील कराई जो है सभी बिजनेसमैन को, सभी जो है मजदूरों को, सभी जो है वर्करों को, सभी बाहर से आए हुए लोगों को। तो सारा उसका जो है फायदा जो है, और ज़्यादातर फायदा हमारे उत्तर भारत को हुआ जो है, हमारे पूर्वांचल वासियों को हुआ, बिहारी भाइयों को हुआ जो है। तो मैं ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम मानता हूँ। और मैं हमेशा से प्रयास करूँगा कि मैं कुछ आगे कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन एक काम ज़रूर मैं इस धरती पे करना चाहूँगा, महाराष्ट्र की और मुंबई की धरती पे, कि हमारे उत्तर भारतीय और जो हमारे शिवसेना या महाराष्ट्रीयन बंधु हैं, इनके बीच में एक सौहार्द कायम रहे जो है। क्योंकि आज पूरे भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि बॉम्बे हमेशा जो है विकसित रहे, महाराष्ट्र विकसित रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी इस शहर से जुड़ा हुआ है। बिक्रम प्रताप सिंह एक ऐसा नाम, जौनपुर में आपकी वही छवि है, और आपके जो लोग हैं
यहाँ मुंबई में गांव में जौनपुर में आपको भावी विधायक के रूप में देखते हैं, अगर आपको ये मौका मिला तो आप अपने चाहने वालों के लिए क्या करेंगे और क्या सोचे हम के लिए? जो भी प्यार और जो भी आशीर्वाद मुझे हमारे बड़े देते हैं और जो प्यार हमारे छोटे देते हैं, या जो भी पक्ष हमें जो भी जिम्मेदारी आज दिया हुआ है या आगे भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगा, उससे मैं बड़े ईमानदारी से उसका निर्वहन करने का मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ और करता रहूँगा। क्योंकि क्या होता है, एक सोशल वर्कर का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लोगों के मन में एक सौहार्द कायम करें। जो है जैसे कि आपने उत्तर भारत की बात किया है, तो सबसे बड़ी बात है वहाँ पे वहाँ के यंग्स को रोजगार चाहिए जो है, ताकि उनका जो पलायन है, जो भागते हैं दूसरे प्रदेशों की तरफ, दूसरे शहरों की तरफ, वो रुके वहाँ। तीसरा विषय सबसे बड़ा है क्राइम। तो यंग जो है जब कलम से कट्टा पकड़ लेते हैं, क्राइम की तरफ चले जाते हैं, तो वहीं पे हमारी नस्ल जो है बर्बाद हो जाती है। और वो जो माहौल खराब होता है, उससे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है उस एरिया में जाने से डरते हैं। तो उस विषय पे भी जितना भी हो सका हमारे पिता फाउंडेशन के माध्यम से हमने काम करने का कोशिश किया। इसी वजह से जो है लोग जो है हमें प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, लोग लाइक करते हैं। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं आज हूँ, उस पे मैं खरा उतरूं, और आगे भी जो लोगों का प्यार मिलेगा तो उसको हम पूरा 100% निभाने का कोशिश करेंगे। और पद के लिए जीवन नहीं होता है, जीवन और समाज सेवा अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो बहुत सारे पद आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पद का कोई बहुत बड़ा जीवन में महत्व नहीं होता है। और हम तो जिस पार्टी में आज काम कर रहे हैं, वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे, हम सबके श्रद्धेय जो है हिंदू हृदय सम्राट जो है, वो तो अपने जीवन पे उन्होंने कोई भी पद नहीं लिया। विक्रम जी, ये आपका बड़प्पन है कि आपका जो आपकी जो उपलब्धि है उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहते। अंत में आप अपने चाहने वालों को, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपसे कुछ चाहते हैं, जो आपसे कुछ एक्सेप्ट करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो और एक ब्रिज का काम हम जैसे लोग करें, ताकि पहला प्रयास हम सबका रहेगा कि अब जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनको अपना घर, अपना मिट्टी छोड़ के आना न पड़े जो है, वो वहीं पे सेटल्ड हो जाए और वहीं पे उनका रोजी रोजगार जो है मिले उनको जो है। क्योंकि यहाँ पे ये शहर जो है, मुंबई शहर, महाराष्ट्र, ये ओवरलोड आज हो चुका है, ये फैक्ट बात है। और ओवरलोड हमारे ही लोगों से हुआ है, हमारे ही पीढ़ियों से हुआ, क्योंकि हमारे भी बच्चे यहाँ जो लोग सेटल हैं उनके बच्चे अभी एक से दो, दो से चार, ये शहर बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी शहर का एक क्राइटेरिया होता है, योगी जी के नेतृत्व में क्राइम पे कंट्रोल आया है, तो उन शहर को विकसित किया जाए, वहाँ के कल्चर को विकसित किया जाए, ताकि वहाँ का जो है बच्चा फिर से जो है विस्थापित ना होना पड़े उसको जो है, और वहीं पे वो सेटल रहे। और सबसे बड़ा है कि सौहार्दपूर्ण माहौल रहे जो है हमारे सभी हिंदी भाषी और मास्टर भाइयों के बीच में। और दूसरी बात है कि जो आए वो अच्छे तरीके से रोजी रोजगार करके कहीं ना कहीं फिर से वापस लौट के अपने उन भाइयों के बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा सोचे जो है, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। और महाराष्ट्र का कल्चर, वो हम सबका कल्चर है, इस कल्चर में जितना ज़्यादा हम बिलीव करेंगे, जितना इसको अपनाएंगे, उतना ज़्यादा जो है ये प्रदेश हमको अपना बनाएगा जो है। तो हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारत माता के अस्मिता के लिए जो है हम सब जब भी जरूरत पड़ेगा, हम सभी लोग मिलजुल के जो है भारत का गौरव बढ़ाएंगे। भारत हमारा विश्वगुरु हो दुनिया में, ऐसा कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था, तो उसको साकार करने के लिए हम सब चाहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज हमारा इंडिया बहुत ही, हमारे यंग्स आगे निकल चुके हैं, आज हम चंद्र पे इतने सफलतापूर्वक हम लगभग पहुंच चुके हैं, मंगल पे हम पहुंच चुके हैं, बहुत सारे मिसाइल्स और रॉकेट्स हम आए दिन लॉन्च करते हैं, दुनिया के मानचित्र पे भारत का जो है कहीं ना कहीं चर्चा होता है। हमारा एग्रीकल्चर जो है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था, उसके बारे में हम सबको ध्यान देना चाहिए जो है। रोड्स हमारे, इंफ्रा हमारे बहुत ही सुंदर अब बनने लगे हैं, कहीं ना कहीं यंग अब बहुत ही पॉजिटिव हो चुका है, किसी भी किसी के बहकावे में कभी अब वो आएगा नहीं जो है। और अगर बहकावे में आएगा तो हम सब अपने छोटे से आवाज़ में उस चीज़ों पर हम लोग कभी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे
कि किसी के बहकावे में ना आके ये धरती भी हमारी है, हमारी माँ है और वो धरती भी हमारी है। तो जहाँ भी जैसा भी आपको मौका मिले वहाँ हम अपना मेहनत करें, काम करें और इस देश को, इस प्रदेश को, इस शहर को आगे बढ़ाए। विक्रम जी, सरकार की काफ़ी उपलब्धियाँ आपने गिना दी, काफ़ी कुछ बदलाव आए, इंफ्रा हुआ, 35 हटा, 370 हटा जी, भगवान राम का वनवास कब खत्म होगा, त्रिपाल कब हटेगी उनके सर से? देखिए, भगवान राम तो भगवान है और उस मुद्दे, वो मुद्दा उच्चतम न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। निश्चित तौर पे एज ए शिवसैनिक मैं बात करना चाहूँगा कि बाला साहब ने भी हमेशा वो आवाज़ उठाई कि वहाँ पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने और वही भारतीय मुसलमान अगर पहला ईंट अगर वहाँ पे रखेगा तो पूरे दुनिया में जो है भारत के इस सौहार्द का बड़ा ही चर्चा होगा और कहीं ना कहीं भगवान राम को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे संतान जो है आपस में मिलजुल कर है। तो मैं कामना करता हूँ कि भगवान हमारे हर कौम को सद्बुद्धि दे कि हम चाहे ईद मनाए, चाहे दिवाली मनाए, चाहे रामनवमी बनाए, चाहे जो भी हमारे जो तीज त्यौहार है उसे हम अपना भारत का त्यौहार कह के मनाए। इसमें नफरत का भाव जो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने डालने का काम किया था, नफरत का भाव जो है बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये देश विकसित होगा, यहाँ का कल्चर विकसित होगा तो हमारा मान बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा जो है उसका सबको, हम सभी भारतीयों को फायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। अभी बीकेसी में जो है प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था तो सारे बातों में सबसे प्रमुखता से जो है उद्धव साहब ने जो है कहा कि अब समय आ गया है कि भगवान रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो और भव्य मंदिर जो है निर्माण हो, ऐसा हमारा कामना है। तो निश्चित तौर पे वो समय अब नज़दीक है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से स्थापित होगा जो है। विक्रम जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम, भारत माता की जय।